नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में, और यहाँ से सी बैंक रेलवे की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ आके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आइए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो आज जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लास हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था इसके पहले वाले क्लास में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, या आप क्या होता है ब्याज, इसके बारे में सारा विस्तृत रूप से हम बताए थे लेक्चर वन में। इसमें सबसे पहले यही बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। जब ब्याज पर ब्याज जुटने लगे तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहला कॉन्सेप्ट यही समझे थे कि वैसा ब्याज जिसको देखकर चक्कर पर चक्कर आने लगे उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज की हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास, आज हम लोग कॉन्सेप्ट का ही दूसरा क्लास पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो, इसको समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर ये बॉक्स जो है, बॉक्स क्या डिनोट करता है इसको आप लोग समझिए। हॉरिजेंटली जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, बट वर्टिकली जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हॉरिजेंटल होता है सिंपल इंटरेस्ट, वर्टिकली क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल। पहले वर्ष का SI, दूसरे वर्ष का SI, दोनों को जोड़ेंगे तो दो वर्ष का SI। पहले वर्ष का SI, दूसरे वर्ष का SI, दोनों को जोड़ेंगे दो वर्ष का SI। पहले वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI, सबको जोड़ देंगे तो दो वर्ष का CI। और ये CI SI का अंतर, सबसे पहले ये क्या है प्रिंसिपल। पहले वर्ष का SI साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ेंगे तो दो वर्ष का SI यानी साधारण ब्याज। वर्टिकली CI, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सबको जोड़ देंगे तो दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। और ये क्या है CI SI का अंतर। ये है प्रिंसिपल, पहले वर्ष का SI, दूसरे वर्ष का SI, दोनों को जोड़ेंगे दो वर्ष का SI। पहले वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI, सबको जोड़ देंगे दो वर्ष का CI। और ये CI SI का क्या है अंतर, CI SI का अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4000, इसका 10%, 4000 का 10% क्या होगा 400, फिर इसका 10% क्या होगा 400, और फिर 400 का 10% क्या होगा 40। तो बोलिए, पहले वर्ष का साधारण ब्याज यानी SI कितना होगा 400, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज यानी SI कितना होगा 400, अगर दो वर्ष का साधारण ब्याज की बात करें तो 400 क्या हो जाएगा 800। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 400, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 440, अगर सबको जोड़ देंगे तो दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 840। और ये क्या है CI SI का अंतर यानी 40 रुपये। प्रिंसिपल कितना है 4000, पहले वर्ष का SI यानी साधारण ब्याज 400, दूसरे वर्ष का SI यानी साधारण ब्याज 400, दो वर्ष का SI यानी दोनों को जोड़ देंगे दो वर्ष का SI 800। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 कंपाउंड इंटरेस्ट, दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840, और ये CI SI का अंतर यानी 40 रुपये। चलिए, तो अगर ये CI की बात करते हैं तो CI कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए 840। CI की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 840, अगर SI की बात करेंगे तो दो साल का कितना आ जाएगा 800। ये CI SI का अंतर कितना रुपया है 40। अमाउंट फॉर SI की बात करें तो 4000 प्रिंसिपल और 800 ब्याज, तो कितना आ जाएगा 4800। और अमाउंट फॉर CI की बात करें तो 4840। तो साधारण ब्याज कितना होगा 400 800, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 840, CI SI का अंतर कितना होगा 40, अमाउंट फॉर SI कितना होगा 4000 और जोड़ दीजिए यानी 4800, और अमाउंट फॉर CI कितना होगा 4840। प्रिंसिपल 400, पहले वर्ष का SI, प्रिंसिपल 4000, पहले वर्ष का SI 400, दूसरे वर्ष का SI 400, दो वर्ष का SI 800। पहले वर्ष का CI 400, दूसरे वर्ष का CI 440, दो वर्ष का CI 840, CI SI का अंतर 40। तो अमाउंट फॉर SI की बात करें तो 4000 प्लस 800 ब्याज, 4000 प्लस 840 ब्याज, 4840। क्लियर। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसी बात से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया जाए 16.2/3%, टाइम कह दे दो वर्ष कह दे, 16.2/3% वार्षिक, इसको आप पॉइंट तोड़ेंगे, 16 3 48 है 2 50/3,
16 3 48 2 50/3 ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 काटेंगे सर जी तो 1/6। ध्यान दीजिए, 16 3 48 2 50/3 इसको काटेंगे तो 1/6, ये कहलाता है नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलेगा, नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलेगा और डिफरेंस किससे निकलेगा सीआईएसआई का, ऊपर के स्क्वायर से, नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलेगा और ऊपर के स्क्वायर से क्या निकलेगा डिफरेंस। ध्यान दीजिए, 16 3 48 2 50/3 नीचे के स्क्वायर से क्या निकलेगा प्रिंसिपल और ऊपर के स्क्वायर से सीआईएसआई का डिफरेंस, तो प्रिंसिपल कितना है छोटू 36, 36 का 1/6 कितना होगा 6, इसका 1/6 कितना होगा 6 और इसका 1/6 कितना होगा 1। तो देखिए प्रिंसिपल कैसे निकला, 2 साल है ना, तो नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल निकलेगा। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 16 3 48 2 50/3 परसेंटेज का मतलब 1/100 काटेंगे 1/6, नीचे के स्क्वायर से क्या निकलेगा प्रिंसिपल, नीचे के स्क्वायर से क्या निकलेगा प्रिंसिपल, ऊपर के स्क्वायर से क्या निकलेगा डिफरेंस सीआईएसआई का, नीचे के स्क्वायर से क्या निकलेगा प्रिंसिपल और ऊपर के स्क्वायर से डिफरेंस निकलेगा। अच्छा 36 का 1/6 क्या होगा 6, 36 का 1/6 और 6 का 1/6 1। तो अगर बात करें यहाँ एसआई की, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ 36, एसआई कितना हो जाएगा 6 और 6 12, सीआई कितना हो जाएगा 6 6 12 1 6 6 12 1 13, सीआईएसआई का अंतर कितना होगा अनुपात 1, एएसआई कितना हो जाएगा 36 प्लस 12 48, और एसीआई कितना हो जाएगा 36 प्लस 13 49। ये सारा रेशियो में निकला, ध्यान दीजिए 16 3 48 2 50/3 परसेंटेज का मतलब 1/100 काटेंगे तो 1/6, नीचे के स्क्वायर से क्या निकलता है प्रिंसिपल, 2 साल है ना, तो नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल ऊपर के स्क्वायर से डिफरेंस, नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल ऊपर के स्क्वायर से डिफरेंस। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल के 36 रख दिए रेशियो में, इसका 1/6 6, इसका 1/6 इसका 1/6। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें 36, पहले एसआई की बात करें 2 साल का 6 6 12, पहले साल का एसआई 6 दूसरे साल का 6 तो 2 साल का 12, सीआई की बात करें पहले साल का एसआई 6 दूसरे साल का सीआई 7, पहले साल का सीआई 7 6 दूसरे साल का सीआई 7 दो साल का सीआई 13, तो 2 साल का एसआई कितना हो गया 12, 2 साल का सीआई कितना हो गया 13, तो सीआईएसआई का अंतर कितना है नीचे के स्क्वायर से 1 और अमाउंट फॉर एसआई यानी 36 प्रिंसिपल और 12 ब्याज 48, 36 प्रिंसिपल 13 ब्याज 49। ये क्या निकल गया रेशियो के आधार पर। सबसे पहले पूर्णांक तोड़े 16 3 48 2 50/3 परसेंटेज का मतलब 1/100 काटेंगे तो 1/6, प्रिंसिपल कैसे निकलता है नीचे के स्क्वायर से रेशियो से इक्वेट करते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकलता है नीचे के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर 36, डिफरेंस कैसे निकलता है ऊपर के स्क्वायर से, तो 36 प्रिंसिपल आ गया इसका 1/6 6, इसका 1/6 6, इसका 6/6 1, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 36, एसआई कितना होगा 6 6 12, सीआई कितना होगा 12 1 13, सीआईएसआई का अंतर 1, अमाउंट फॉर एसआई 36 प्लस 12 48, अमाउंट फॉर सीआई 36 प्लस 13 49। क्लियर है, चलिए अब इसको रेशियो से इक्वेट करके भी हम लोग बना सकते हैं। अब आते हैं इसी चीज़ को आप लोग समझिएगा, प्रिंसिपल है दिया हुआ है, गायब है रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सीआईएसआई का अंतर है, प्रिंसिपल नहीं पता। बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो पहला तरीका हम जो बताने जा रहे हैं वो देखो, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 5%, और टाइम कितना साल है 2 साल का बॉक्स बना हुआ है, सीआईएसआई का अंतर कितना 4, तो 5%। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल का 5% फिर इसका 5%, तो प्रिंसिपल का 5% ये निकलेगा, इसका 5% ये निकलेगा, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल का 5% का 5% कितना रुपया सर 4, तो प्रिंसिपल का 5/100 का 5/100 बराबर क्या होगा 4, 5 से कितनी बार में बताओ 20, 5 से कितनी बार में 20, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 गुना 4 यानी कितना हो गया 1600। आइडिया मिला, प्रिंसिपल का 5% का 5% 5% 5/100 काटेंगे तो 20 20 20 20 कितना हो गया उधर चला गया, तो प्रिंसिपल कितना निकल गया 1600। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 5%, 5% का मतलब क्या होता है 5/100 काटेंगे सर जी तो 1/20 1/20, तो नीचे के स्क्वायर से क्या निकलता है प्रिंसिपल, नीचे के स्क्वायर से क्या निकलता है प्रिंसिपल
और ऊपर के स्क्वायर से क्या निकलता है डिफरेंस, ऊपर के स्क्वायर से डिफरेंस निकलता है। चलिए तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, चार रुपया। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात एक बराबर चार रुपया, नीचे डिफरेंस से अनुपात एक का वैल्यू चार रुपया, तो प्रिंसिपल कितना है 400, तो 400 का वैल्यू क्या होगा 400 गुना चार, तो चार चौके 1600। बात समझे, नीचे के स्क्वायर से प्रिंसिपल, ऊपर के स्क्वायर से डिफरेंस, तो एक का वैल्यू दिया हुआ है चार, तो प्रिंसिपल कितना है 400, 400 का वैल्यू चार चौके 1600। दूसरा तरीका सर आप कहेगा सर तीसरा तरीका बताइए, तो वो भी हम बता देंगे। सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बाय 100 का पावर 2। अंतर कितना दिया हुआ है सर चार रुपया, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बटा 100 का पावर 2, 5 से कितनी बार में 20, तो प्रिंसिपल गुना 1 बटा 400 तो बराबर 4, तो प्रिंसिपल कितना निकल गया 4 चौके 400 गुना 4 यानी प्रिंसिपल कितना निकल गया 1600। ये फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, नहीं आप कहिएगा सर कुछ और, चलिए एक और तरीका बताते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 5%, टाइम 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5 × 10, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2r r² बताए थे 2 × 5, 5² यानी 10.25, तो डिफरेंस कितना का होगा सी आई एस आई का 0.25, और यही डिफरेंस जो है वो कितना रुपया का बराबर दे रहा है 4 रुपया, तो 0.25% बराबर 4 रुपया, तो 1% बराबर 16, तो 100% बराबर 1600, यही तो प्रिंसिपल है। आया समझ में, तो बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन अभी हम बॉक्स मेथड पढ़ रहे हैं, तो बॉक्स मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। नहीं चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपये पर 10% की दर से 2 साल के सी आई एस आई का अंतर, प्रिंसिपल कितना है 1600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 10%, तो 1600 का 10% कितना होगा 160, 1600 का 10% 160, 160 का 10% 16, तो सी आई एस आई का अंतर यही तो है, तो सी आई और एस आई का अंतर कितना हो गया 16 रुपया। बात समझ में आई, 1600 का 10% 10% 10%, तो डायरेक्ट सी आई एस आई का अंतर कितना रुपया 16 रुपया। और ऐसे इसको भी बनाने का उसी तरह से बहुत सारा मेथड है, नहीं जैसे क्या बताए थे 2r r² बताए थे, तो 2 × 10 और 10² तो सॉल्व करेंगे तो 20 और ये 100, ये 2 रहने दीजिए एक ट्रांसफर, तो 21.00 मतलब कितना परसेंट 21%, यानी एस आई जो है 10% के हिसाब से 2 साल में 20, और सी आई की बात करें 10% 2 साल में 21, तो दोनों का डिफरेंस कितने का, सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो कितने का बताओ 1%। तो आप जानते हो कि 100% 1600 तो 1% क्या हो जाएगा 16, आइडिया मिला, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो सी आई एस आई का डिफरेंस 1% का वैल्यू कितना, 100% 1600 1% क्या निकलेगा, तो एस आई तो 10% 2 साल में 20, सी आई 21, डिफरेंस कितना 1% का वैल्यू निकालना, क्लियर। ऐसे बॉक्स मेथड भी ठीक था। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है, 1600 रुपया प्रिंसिपल है, सी आई एस आई का अंतर कितना है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, बोल भाई बनेगा, तो आराम से बन सकता है, वही लगाओ 1600 का कितना परसेंट बताओ r% का r% कितना रुपया बताओ 4, तो 1600 गुना r बटा 100 बराबर क्या होगा छोटू, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 4 चौके 16, 4 से कितनी बार में बताओ 25, तो r² का वैल्यू क्या होगा 25, तो r√25 यानी कितना परसेंट 5%, 1600 का r% 4, 1600 r/100 r/100 = 4, तो r² = 25, तो r का वैल्यू कितना परसेंट 5%, तो कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, किसी धन पर 2 साल के सी आई एस आई एस आई और सी आई दिया हुआ है, धन तो पता ही नहीं है, एस आई कितना है 2 साल का 120, तो 2 साल का एस आई अगर 120 है तो कितना कितना तोड़ सकते हैं, एस आई बराबर बराबर होता है, तो ये कितना कितना टूट जाएगा 60 और 60, तब ना दोनों को जोड़ने पर 2 साल का एस आई 120 होगा, 60 और 60 बराबर बराबर होना चाहिए, तो 60 और 60 कितना होगा 120
हो रहा है, और 2 साल का सीआई 129 है, तो 9 रुपया कहाँ जाएगा? यहाँ। तो देखो 2 साल का एसआई 120 और 2 साल का सीआई 129, तो सीआई एसआई का अंतर कितना रुपया? 9। तो हम कह सकते हैं इसका ही कितना परसेंट होता है, आर, इसका ही आर, इसका ही आर। तो हम कह सकते हैं कि 60 का आर परसेंट जो है वो किसके बराबर है बताओ? 9। तो 60 का आर बटा 100 बराबर किसके बराबर है बताओ? 9। 20 30 60 और 20 25 100, 3 से कितनी बार में? 3। तो आर का वैल्यू कितना परसेंट निकल गया? 15%। बस समझ में आया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 15% आप निकाल चुके, तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का आर परसेंट बराबर कितना के बराबर है? 60। यानी प्रिंसिपल का 15/100 बराबर किसके है? 60। 15 से कितनी बार में? 4। तो प्रिंसिपल चार्ज चुके 400 निकल गया। बात समझ में आया? देखो प्रिंसिपल का आर परसेंट 60, क्लियर? आर बटा 100 होगा ना, प्रिंसिपल का आर परसेंट 60, प्रिंसिपल का आर परसेंट, इसका आर परसेंट, इसका आर परसेंट। तो 60 का आर परसेंट किसके बराबर है? 9। तो 60 का आर बटा 100 बराबर 9, 20 25 100, 20 30 60, 3 3 9, तो आर का वैल्यू कितना परसेंट? 15%। तो प्रिंसिपल का 15% बराबर 60, तो प्रिंसिपल कितना निकल गया? 400। अब कहिएगा सर कुछ जुगाड़ लगाइए ना सर, चलिए जुगाड़ लगा देते हैं। आर बराबर फार्मूला होता है सी आई माइनस एस आई बटा एस आई फॉर वन ईयर और गुना 100। बोलिए बन जाएगा सी आई कितना? 129। एस आई कितना? 120। 1 साल का एस आई कितना होगा? 60 गुना 100। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/60 गुना 100, तो लगभग काट कुट कर लोगे 20 30 60, 20 25 100, 3 3 9, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ जाएगा? 15%। तो हम कह सकते हैं कि 60 60 और ये 9, तो 15% क्या है? 15% किसके बराबर है? 60 के। तो 15% अगर 60 है छोटू, तो 1% क्या होगा? 4। तो 100% क्या होगा? 400। यही तो प्रिंसिपल है। बात समझ में? तो इस तरीके से बहुत सारा मेथड है बनाने का, तो इसको बनाने का और भी बहुत सारा मेथड है, लेकिन इतना सफिशिएंट है। हम बॉक्स मेथड पढ़ रहे हैं, तो पहले बॉक्स को हम लोग फॉलो कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 3 साल सर। तो इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, हॉरिजेंटल एस आई, वर्टिकल सी आई। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। पहले वर्ष का एस आई, दूसरे वर्ष का एस आई, तीसरे वर्ष का एस आई। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। पहले वर्ष का एस आई, दूसरे वर्ष का एस आई, तीसरे वर्ष का एस आई। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्ष का एस आई, तीनों को जोड़ेंगे 3 वर्ष का एस आई। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। पहले वर्ष का एस आई, दूसरे वर्ष का एस आई, तीसरे वर्ष का एस आई। दोनों को जोड़ेंगे 2 वर्ष का एस आई, तीनों को जोड़ेंगे 3 वर्ष का एस आई। सबसे पहले प्रिंसिपल, पहले वर्ष का एस आई, दूसरे वर्ष का एस आई, तीसरे वर्ष का एस आई। दो को जोड़ेंगे 2 वर्ष का एस आई, तीन को जोड़ेंगे 3 वर्ष का एस आई। ये कहलाता है पहले वर्ष का सी आई, दूसरे वर्ष का सी आई, तीसरे वर्ष का सी आई। पहले वर्ष का सी आई, दूसरे वर्ष का सी आई, तीसरे वर्ष का सी आई। इसको जोड़ देंगे तो 2 वर्ष का सी आई, सबको जोड़ देंगे 3 वर्ष का सी आई। इसको क्या कहेंगे छोटू? प्रिंसिपल। पहले वर्ष का एस आई, दूसरे वर्ष का एस, पहले वर्ष का एस आई, दूसरे वर्ष का एस आई, तीसरे वर्ष का एस आई। दोनों को जोड़ेंगे 2 वर्ष का एस आई, तीनों को जोड़ेंगे 3 वर्ष का एस आई। पहले वर्ष का सी आई, दूसरे वर्ष का सी आई, तीसरे वर्ष का सी आई। दोनों को जोड़ेंगे ये पूरा 2 वर्ष का सी आई, और ये पूरा जोड़ देंगे तो 3 वर्ष का सी आई। आइए, और ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला जो पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो सी आई एस आई का क्या कहलाएगा? अंतर। सी आई एस आई का अंतर। चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 3000। इसका 10% कितना होगा बताओ? 300। इसका 10% कितना हो जाएगा बताओ? 300। और इसका भी 10% कितना होगा? 300। इसका 10% कितना हो जाएगा बताओ? 30। इसका 10% कितना हो जाएगा? 30। फिर इसका 10% कितना हो जाएगा? 30। और फिर इसका 10% कितना हो जाएगा? 3। देखिए 3000 का 10%, 300 300 300, तीनों साल का ऐसा ही सेम। ये तीनों सेम, ये तीनों सेम, यहाँ डिफरेंट। ये तीनों सेम,
ये तीनों सेम, यहाँ डिफरेंट, याद रखिएगा। तो ये तीनों सेम यहाँ डिफरेंट। 3000 का 10%, 300, 3000 का 10%, 300, 3000 का 10%, 300, 300 का 10% 30, 300 का 10% 30, 300 का 10% 30, इसी लाइन से दो ठो निकलेगा, और 30 का 10% 3। तो अगर बात करते हैं एस आई की, तो पहले वर्ष का एस आई कितना होगा 300, दूसरे वर्ष का एस आई 300, तीसरे वर्ष का एस आई 300, पहले वर्ष का एस आई 300, दूसरे वर्ष का एस आई 300, तीसरे वर्ष का एस आई 300, दो वर्ष का एस आई 600, तीन वर्ष का एस आई 900, पहले वर्ष का एस आई 300, दूसरे वर्ष का एस आई 300, तीसरे वर्ष का एस आई 300, दो वर्ष का एस आई 600, तीन वर्ष का एस आई 900, पहले वर्ष का सी आई वर्टिकली 300, दूसरे वर्ष का सी आई 330, तीसरे वर्ष का सी आई 363, पहले वर्ष का एस आई 300, दूसरे वर्ष का सी आई 300, तीसरे वर्ष का सी आई 363, दो वर्ष का सी आई 630, तीन वर्ष का सी आई सब जोड़ दीजिए 993 हो जाएगा। तो चलिए अगर 3 साल का एस आई की बात करें, तो 333 600 यानी कितना आ जाएगा 900। अगर सी आई की बात करें, सब जोड़ दीजिए यानी 600, सब जोड़ेंगे ना, जोड़ो सब, तो 900 तो ऐसे हो गया 30 90 3, तो 900 कितना हो जाएगा 993। और सी आई एस आई का अंतर ये वाला बॉक्स होता है, सी आई एस आई का अंतर ये होता है, तो 30 90 3 93। और ए एस आई अमाउंट फॉर एस आई यानी 3000 प्रिंसिपल और 900 ब्याज 3900, और 3000 प्रिंसिपल और 993 ब्याज यानी 3993। बात समझ में आया? अगर 3993 होगा ना, 3993 आई 3900, क्लियर। तो एस आई कितना 3 वर्ष का 900, सी आई कितना 993, अंतर कितना 93, अमाउंट फॉर एस आई 3900, और अमाउंट फॉर सी आई 3993। चलिए ये बॉक्स समझ जाओगे ना सर, तो इससे बना देगा क्वेश्चन तुम लोग। चलिए इसी तरह से 3 साल का बताते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3 और टाइम 3 साल। आप तो इसको तोड़ना जानते हैं, 16 3 48 2 50/3 परसेंटेज का मतलब क्या, 16 3 48 2 50/3 और परसेंटेज का मतलब 1/100, काटेंगे छोटू तो 1/ क्या आ जाएगा 6, क्लियर। प्रिंसिपल कैसे निकलता है, नीचे के क्यूब से, तो 6 का क्यूब 216। डिफरेंस कैसे निकलता है, सी आई एस आई का ऊपर के क्यूब से नहीं, नीचे का तिगुना करके ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 19। ध्यान दीजिए प्रिंसिपल कैसे निकलता है, नीचे के क्यूब से प्रिंसिपल कैसे निकलता है, 3 साल है ना, तो नीचे के क्यूब से, अगर स्क्वायर 2 साल रहता तो स्क्वायर से, नीचे के क्यूब से प्रिंसिपल निकलता है। ये सब रेशियो में निकाल रहा है, सब किस में निकाल रहे हैं, रेशियो में। तो नीचे से क्यूब से क्या निकला प्रिंसिपल, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नीचे का तिगुना करके ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, नीचे का तिगुना और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो ये सी आई एस आई का क्या हो जाता है डिफरेंस, इन तीनों का तिगुना और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो नीचे का तिगुना करके ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, नीचे के क्यूब से क्या निकलता है प्रिंसिपल, और नीचे वाले का तिगुना करके ऊपर वाले जोड़ते हैं, तो सी आई एस आई का डिफरेंस निकल जाएगा। आइए अब इतना करने का क्या जरूरत है, सबसे पहले प्रिंसिपल का जाएगा 216, इसका 1/6 36, ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा 3, वो क्योंकि तीनों क्या होता है सेम। अब इसका 1/6 निकालेंगे तो क्या आएगा 6, ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा 3, वो और फिर इसका 1/6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए 216, इसका 1/6 निकाले तो 36 36, 3 को इसका 1/6 निकाले तो 6 6 6, क्या है 3 को, और इस फिर इसका 1/6 कितना 1। तो चलिए एस आई के देखो प्रिंसिपल कितना हो गया 216, यहाँ पर देखो सब बता दोगे, प्रिंसिपल कितना हो गया 216 रेशियो में है, एस आई कितना होगा 6 3 18, सी आई कितना होगा जोड़ो नहीं एस आई तो 36 3 108 आ जाएगा बाबू, 36 36 36 108,
अगर सीआई की बात करें सब जोड़ दो, 108 और 18 और 1, 18 8 26, 127 हमको लगता आ जाएगा। और सीआईएसआई का अंतर जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, घटाओ 19 का, देखो ना 6 6 6 1 कितना हो गया 19, प्रिंसिपल कितना निकल गया 216, एसआई कितना हो गया 36 108, सीआई कितना होगा सब जोड़ दीजिए 108 प्लस 18 एक 19 127, और सीआईएसआई का अंतर 6 3 18 1 19, सीआईएसआई का अंतर 6 3 18 1 19, ये सारा किस में निकला है, रेशियो में। अगर एएसआई की बात करें तो फिर 216 में ये भी जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 216 प्लस 108, और एसीआई की बात करें तो 216 प्लस 127, बात समझ में आ रहा है। ये सारा किस में निकाले, रेशियो में। इसका 1/6 निकाल दिए, नीचे के क्यू से प्रिंसिपल निकल गया, नीचे के क्यू से प्रिंसिपल ऊपर, नीचे का तिगुना करके ऊपर वाले को जोड़ दिए तो डिफरेंस निकल गया, तो 6 3 18 1 19 डिफरेंस प्रिंसिपल दिया हुआ। इसका 1/6 1/6 1/6 36 निकाले तो ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, 3 गो, इसका 1/6 6 6 6 3 गो, इसका 1/6 1, तो एसआई कितना हो गया 108, सीआई कितना हो गया सब जोड़ दीजिए 127, और सीआईएसआई का अंतर कितना हो गया 19, क्लियर। चलिए ये रेशियो में हम आपको समझा दिए, अब इसी बात को समझिएगा। जैसे सीआई प्रिंसिपल कितना है 8000, और सीआईएसआई का अंतर कितना है 61 रुपया, सीआईएसआई का अंतर 61 रुपया, कहाँ भराएगा सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, सीआईएसआई का डिफरेंस कहाँ भरोगे, 1 2 3 और 1 4, यही 4 को बॉक्स में ना भराएगा, ये तीनों एसआई पूरा सीआई, ये सीआईएसआई का डिफरेंस यही ना भराएगा, तो 61 रुपया भरना है छोटू, कितना भरना है 61 रुपया, बट ये तीनों जगह सेम होता है तो क्या भरे, 20 20 20 भर दें, हो गया 60, तीनों जगह सेम हो गया, और यहाँ क्या भरेंगे 1, तब ना 61। अब देखिए इसका ही कितना परसेंट होता है, आर परसेंट, तो इसका ही कितना परसेंट होगा आर परसेंट, तो हम कह सकते हैं कि 20 का आर परसेंट कितना रुपया बताओ 1, तो 20 का आर बेटा 100 बराबर कितना रुपया बताओ 1, तो 20 25 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 5%। 20 का आर, देखो तीनों जगह सेम होता है तो 20 20 20, और यहाँ एक आ गया, तो 20 का आर परसेंट कितना 1 रुपये, तो आर का वैल्यू कितना परसेंट, 5%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने कहते हैं, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में। चलिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, इस आप लोगों को पता है। चलिए 2000 रुपये दिया हुआ है और 3 साल 10% है, 3 साल के सीआईएसआई का अंतर एकदम बना सकते हो, तो 2000 का कितना परसेंट बताओ, 10%, 2000 का 10% क्या होगा 200, तो नेशन नेशन क्या हो जाएगा बताओ, 3 हो, 2000 का 10% कितना होगा 200, बट ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा 3 हो। अब 200 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा छोटू, 20, ऐसा नेशन क्या हो जाएगा 3 हो, और 20 का 10% क्या होगा 1 2, ध्यान दीजिए 2000 का 10% क्या हो जाएगा 200, 2000 का 10% क्या होगा 200, बट ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा 3 हो, 2000 का 10% 200, बट ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा 3 हो। अब 200 का 10% कितना होगा 20 20 20, ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा 3 हो, और फिर 20 का 10% क्या हो जाएगा 2, तो अगर सीआई की बात करें 3 साल का सीआईएसआई का अंतर तो बताओ कितना होगा, सीआईएसआई का अंतर यही ना होगा, तो कितना हो जाएगा 20 30 60 और 3 2 62, सीआईएसआई का अंतर कितना निकल गया, सीआईएसआई का अंतर ना बताओ कितना रुपया आ गया 62 रुपये, बात समझ में, 20 20 20 आइए यही ना सीआईएसआई का अंतर है। अब कहिएगा सर दूसरा तरीका बताइए ना, चलो वो भी बताए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 10%, टाइम क्या साल है 3 साल, तो एसआई कितना हो जाएगा बताओ 30, और सीआई कितना हो जाएगा 33.1, ये याद होगा आप लोग को, याद करवाए थे 33.1, तो डिफरेंस कितना होगा 3.1 3.1। आइए तो 100% 2000, तो 1% क्या होगा 20, तो 3.1% कितना होगा 3.1 × 20, 33 × 62, बात समझ में। और भी तरीका है बहुत सारा, जैसे देखो 10% को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1/10 निकालेंगे, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, नीचे के क्यूब से
प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? नीचे के क्यूब से। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नीचे का तिगुना करके ऊपर वाले को जोड़ते हैं, यानी कितना हो जाएगा 31। और इस 1000 का वैल्यू किसके बराबर है? 2000 के। 1000 का वैल्यू किसके बराबर है? 2000 के। तो एक किसके बराबर होगा? 2 के। तो 31 किसके बराबर होगा? 62 के। यही तो सी आई सी का डिफरेंस है। नीचे के क्यूब से क्या निकालते हैं प्रिंसिपल? ऊपर के क्यूब से नीचे का तिगुना करके ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, नीचे का तिगुना करके ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, ये डिफरेंस निकल गया। इस 31 का वैल्यू कितना दिया? 1000 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 2, तो 31 का वैल्यू क्या? 62। बहुत सारा तरीका है सर, आप लोग बना सकते हैं इसको, बहुत इजीली बना पाइएगा। नहीं, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 साल का SI कितना है? 600। 3 साल का SI कितना है? 600। और CI कितना है? 662। 3 साल का SI 600 है और CI कितना है? 662। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है, एकदम इजीली बना लीजिएगा। 3 साल का SI अगर 600 है, 600 है तो कैसे कैसे तोड़ोगे बताओ? 600 है तो कैसे तोड़ोगे? तो 200, 200, 200, बोलो टूट जाएगा। 600 है सर, 600, 3 साल का SI बराबर, SI क्या होता है? बराबर बराबर, तो 200, 200, 200। और CI के SI का अंतर कितना है? 262। 662, तो 662 है, तो क्या क्या तोड़ोगे बताओ? 20, 20, 20 और 2। 3 साल का SI कितना? 600, तो 200, 200, 200 तोड़ दिए। अब 62 रुपया इस सब में भरना है, तीनों जगह सेम होगा, तो 20, 20, 20 है, यहाँ क्या भर दे? 2। तो बोलिए CI SI का अंतर कौन सा होगा? CI आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। टाइम 3 साल, 600, 200, 200, तो 20 का R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां देना चाहिए था, यानी 20 का R% का वैल्यू किसके बराबर है? 2। तो 20 का R/100 बराबर क्या होगा? 2। तो 20 से कितनी बार में? 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट निकल गया? 5 × 2 यानी कितना परसेंट? 10%। नहीं, सबसे पहले 600 कैसे तोड़ेंगे? 200, 200, 200। अब 62 रुपया और भरना है, तो इस सब में भरना है, तो तीनों जगह सेम 20, 20, 20 और यहाँ 2, तो CI/SI का अंतर यही ना हो गया 62 रुपया। अब देखिए, तो 20 का R% 2 रुपया, तो 20 का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल का R%, तो प्रिंसिपल का 10%, तो प्रिंसिपल का 10% किसके बराबर है बताओ? 200। तो प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा? 10/100 = 200 ही ख़त्म, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 2000। आइडिया मिला? तो बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे नहीं, बट यहाँ पर अगर रेट दिया रहता ना तो ज़्यादा बेहतर था। रेट पहले से देना चाहिए, रेट पहले से देना चाहिए 5%। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है और टाइम 3 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 15%। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 15.7625। तो आप कह सकते हैं कि 15% किसके बराबर है? 600। 15% किसके बराबर है? 600। तो 1% किसके बराबर है? 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60, 100% कितना हो जाएगा? 4000। आइडिया मिला? 100% अगर 5% दिया रहता तब कैसे बनाते? 5% 3 साल का 15%, CI 15.7625, तो 15% 600, 1% इतना, तो 100% कितना? ये प्रिंसिपल आराम से निकल गया। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या देना चाहिए था? इसमें रेट देना चाहिए था। हाँ, तो रेट इसमें पहले से देना चाहिए था, तब 5% के हिसाब से 4000 हो जाता। क्लियर? तो रेट क्या दे रहा है उसके आधार पर हम लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हटा के हम डायरेक्ट 5% करें और प्रिंसिपल निकालें, तो एक और तरीका अपना सकते हैं। 600 को क्या तोड़ सकते बताओ? 200, 200, 200। और 662 को क्या तोड़ सकते? 20, 20, 20 और 2। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। तो प्रिंसिपल का 5% 200, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा?
पाँच बटा 100 बराबर 200, 5 से कितनी बार में? प्रिंसिपल का 5%, तो 5 से 20 बार में ना जी, 5 से 20 बार में कटेगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4000। बात समझ में आया? तो इस तरीके से करके हम लोग आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट है ये सारा क्या है, कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है। हाँ, जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझिए। जब भी सीआई में रेट निकालना हो चाहे टाइम निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या निकाल देते हैं? रेशियो। तो बहुत इजीली बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, अच्छा एक क्वेश्चन होना चाहिए, चलो नहीं है तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इरर आ जाता है कभी कभी, लेकिन ध्यान दीजिए। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो क्या निकालते हैं? ए और पी का रेशियो। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा बात समझा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल 2000 है और अमाउंट दिया हुआ है 2662, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम फाइंड करना है। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट है, कौन सा टॉपिक है? कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम निकालना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ए और पी का रेशियो निकाल दीजिए। तो 2662 और यहाँ क्या लिखेंगे छोटू? 2000। काटेंगे तो 1000 और काटेंगे तो 1331। देख के ही पता चल रहा है 11 का क्या है क्यूब और ये 10 का क्या है क्यूब। क्यूब देखते ही पता चल गया कि एन का वैल्यू क्या है, वर्ष 3 वर्ष। बात समझ में आया? तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए रेशियो पी। मान लिया है प्रिंसिपल 4000 है और ब्याज दिया हुआ है 1331 और टाइम दिया हुआ है 3 साल, 1324। टाइम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो हम क्या बोले थे, ए और पी का रेशियो निकाली, तो ए का वैल्यू कितना होगा? दोनों जुड़ जाएगा। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो 5324 और ये कितना होगा छोटू? 4000। 4 से काटेंगे 1000, 4 से काटेंगे 1331। दिख रहा है ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। देख के ही पता चल गया कि एन का वैल्यू क्या है, वर्ष 3 वर्ष। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ए और पी का क्या निकाल देते हैं? रेशियो। जैसे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल है 5000, अमाउंट है 8450, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% और टाइम निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे, बताओ क्या करेंगे? ए और पी का क्या निकाल देंगे? रेशियो। तो 8450 और ये क्या होगा? 5000। काटोगे सर जी तो 5 से 100, 5 से 100, 169। तो ये 169 देख के पता चला स्क्वायर है, स्क्वायर देख के ही पता चल गया कि टाइम पीरियड क्या है, वर्ष है 2 वर्ष। क्लियर? तो जब भी सीआई में चाहे रेट निकालना हो चाहे टाइम, ए और पी का क्या कर देते हैं? रेशियो। एक और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे प्रिंसिपल मान लिया जाए 5000 और अमाउंट है 8450 और टाइम भी हम कह दें 2 साल और रेट निकालना है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और पी का रेशियो निकालिए। 8450 और ये क्या लिखेंगे बाबू? 5000। 00 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे 100, 5 से काटेंगे 169। ये क्या साल का दिया हुआ है? 2 साल का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, 1 साल का, तो रूट में चला जा गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 लगाए थे और 13 हो गया, 10 लगाए थे 13 हो गया, ब्याज कितना मिला? 3। किस पे? 10 पे गुना 100। तो काटेंगे छोटू, काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 30%। 2 साल का था ना, 10 से 13 हो गया, ब्याज कितना मिला? 3। किस पे? 10 पे गुना 100। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो ए रेशियो पी निकालते। प्रिंसिपल 4000, अमाउंट 5324, टाइम 3 साल और रेट निकालना है। बोल भाई निकलेगा? बोलो रेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या करें बताओ, अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या कर दे? रेशियो निकाल दीजिए। तो 5324 और ये 4000, काटेंगे छोटू तो ये 1000 हो जाएगा और ये 1331 हो जाएगा। ये क्या साल का है? 3 साल का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, तो 1 साल में क्यूब रूट हो जाएगा।
हो जाएगा। तो 10 लगाए थे, 11 हो गया, ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, 21 पे 10 पे गुना 100, तो हम कह सकते हैं कि 10% आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ये रेशियो क्या निकालते हैं, पी। जब भी सीआई में रेट या टाइम निकालना हो तो ये रेशियो क्या निकालते हैं, पी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए एक और आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, देखिए इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, समझने का प्रयास करोगे बिल्कुल समझ में आएगा। ये तीन डब्बा बना हुआ है, तीन डब्बा बना हुआ है, तीन डब्बा बना हुआ। देखिए कोई धन 5 साल में तिगुना हो जाता है, 5 साल में क्या हो जाता है, तिगुना। अगर 5 साल में तिगुना हो जाता है, 5 साल में तिगुना हो जाएगा तो 3 का 3 गुना क्या होगा, 9। 9 गुना होने में कैसा साल लग जाएगा, 10 साल। 5 साल में तिगुना, फिर 5 साल में तिगुना, यानी 10 साल में क्या हो जाएगा, 9 गुना। तिगुना होने में 5 साल, फिर तिगुना होने में 5 साल। उसी तरह से अगर कह रहा है 5 साल में दुगुना, 5 साल में दुगुना, तो फिर अगला 5 साल में फिर दुगुना होगा, फिर अगला 5 साल में दुगुना होगा, तो 8 गुना होने में कैसा साल लग गया बताओ, 15 साल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से 5 साल अगर मान लिया जाए 4 साल में तिगुना हो जाए, 4 साल में क्या हो जाए, तिगुना, फिर तिगुना होगा तो फिर 4 साल लेगा, फिर तिगुना होगा तो फिर 4 साल लेगा, और फिर एक बार और अगर तिगुना कर दें, एक बार और अगर तिगुना कर दें तो फिर 4 साल लेगा, तो कितना गुना हो जाएगा, 16 साल में 81 गुना। अगर 5 साल में तिगुना होता है तो 9 गुना होने में क्या साल, 10 साल। 5 साल में दुगुना होता है तो 8 गुना होने में क्या साल, 15 साल। 5 साल में 4 साल में तिगुना होता है तो 81 गुना क्या साल में, 16 साल। तो इस बात को समझ रहे हैं कि डबल होता है फिर से धन, डबल होता है फिर से डबल धन होता है, यानी जब ब्याज पर ब्याज जुटने लगे, जब ब्याज पर ब्याज जुटने लगे तो इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो है कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया, अब इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे पीछे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आज मेरा दूसरा क्लास था, तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, सीआई सीख रहे हैं, 2 क्लास का थ्योरी पढ़ चुके हैं, और 2-3 क्लास और हम क्वेश्चन करवा दें तो सीआई तो आपका 100% हो जाएगा, इसमें से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लगे रहने की ज़रूरत है, कॉपी किताब लेके बैठने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसी तरह से कंटिन्यू बने रहेगा तो आप लोग सीखते चले जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना देर तक मेरे साथ बने रहे, और करतार कोचिंग सेंटर जो कि पटना मखनिया कुआं में, ये भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आप लोग इतना देर तक कंटिन्यू बने रहे और इस बात को सीख रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और अपने मित्रों को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और बताइए कि हाँ रिजल्ट कैसे हो सकता है, आप रास्ता दिखाइए सर, क्योंकि मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ मेरा लक्ष्य यही है कि आप भी किसी को रास्ता दिखाओ, आप भी किसी को बताओ और रिजल्ट होगा, तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।